हेलो डियर स्टूडेंट्स माई सेल्फ प्रशस्त जैन तो स्टूडेंट्स आज के हम इस क्लास में 2019 एंड 20 में जेई मेंस में पैराबोला टॉपिक से आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें ये कहा है कि पैराबोला वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन और इस पैराबोला के पॉइंट टू कॉमा थ्री पे खींची गई टेंजेंट जेंट द दाई एक्सिस इनसे बनने वाला जो एरिया है इनसे बनने वाला जो रीज़न है उसका एरिया हम लोगों को स्टूडेंट फाइंड आउट करना है तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहले तो हम लोग टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लेते हैं तो टेंजेंट की इक्वेशन होगी y को हमने 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई किया 2y वाई की जगह हमने लिखा y स्क्वायर की जगह हमने लिखा एक्स एक्स वन तो x इंटू टू और कांस्टेंट की जगह हमने कांस्टेंट रहने दिया तो ये स्टूडेंट आया y प्लस थ्री इक्वल्स टू फोर एक्स माइनस टू दैट इज वाई इक्वल्स टू फोर एक्स माइनस फाइव ये हमें टेंजेंट की इक्वेशन मिली अब देखिए स्टूडेंट अगर इस डायग्राम को हम लोग ड्रॉ करते हैं तो वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन वो हमारे पास में इस तरीके का एक पैराबोला है और यहाँ पर कहीं टू कॉमा थ्री पॉइंट है जिस पर इस प्रकार से हम लोगों ने टेंजेंट ड्रॉ किया लेटेस्ट से कि ये पॉइंट है हम लोगों के पास में टू कॉमा थ्री तो देखिए स्टूडेंट हम लोगों को यहाँ पर जो एरिया निकालना है वो है पैराबोला टेंजेंट और वाई एक्सिस से बाउंड यानी कि ये वाला एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है ये एरिया हम लोगों को फाइंड आउट करना है। अब देखिए इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करने वाला हूं इस पॉइंट से मैंने वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया से दिस इज पॉइंट क्यू सो दिस विल बी जीरो कॉमा थ्री ये टेंजेंट जो है वो वाई एक्सिस को कहाँ कट करती है ये हम पता करते हैं तो हम लोग एक्स को जीरो करेंगे तो वाई इक्वल टू माइनस फाइव तो ये पॉइंट है स्टूडेंट हम लोगों के पास में जीरो कॉमा माइनस फाइव लेटर से दिस इज पॉइंट आर सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी विल फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एंड वी विल फाइंड एरिया ऑफ दिस सेक्शन विच आई हैव शेडेड विथ ग्रीन कलर तो पी क्यू आर के एरिए में से ये जो ग्रीन शेडिंग मैंने किया अगर उस एरिया को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा सो वी विल गेट द रिक्वायर्ड एरिया अब देखिए स्टूडेंट, कि हम लोग ये जो ये जो, ये जो शेडिंग वाला एरिया है वो हम लोग इंटीग्रेशन के प्रोसीजर के थ्रू ला सकते हैं तो हम करते हैं इसको आगे अभी तो देखिए स्टूडेंट एरिया इक्वल्स टू अगर मैं ट्राइंगल पी क्यू आर के एरिया की बात करूं तो ये होगा वन अपॉइंट टू बेस इंटू हाइट पी क्यू की लेंथ स्टूडेंट हम लोगों के पास में है टू और क्यू आर लेंथ हमारे पास में हो जाएगी स्टूडेंट थ्री प्लस फाइव द्राइंगल का एरिया आ गया ट्राइंगल पी क्यू आर अब इसमें से स्टूडेंट हम लोग हटाना चाहते हैं ये ग्रीन शेडिंग वाला एरिया तो इसको स्टूडेंट हम लोग हटा सकते हैं अपर माइनस लोअर कर्व के इंटीग्रेशन के थ्रू तो इसमें स्टूडेंट अपर कर्व यानी पी क्यू इसकी इक्वेशन वाईक्वल टू थ्री है तो अपर कर्व है थ्री माइनस लोअर कर्व है य वन और इसको अगर इस 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 तो x जा रहा है जीरो से लेकर के टू तक तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो गया हमारे पास एट माइनस ये हो गया थ्री माइनस माइनस प्लस वन फोर फोर का इंटीग्रेशन फोर एक्स और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई थ्री फ्रॉम जीरो टू टू तो ये हो जाता है अपॉन okay? बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तो हम लोगों को दिया है कि एक पैराबोला है जिसकी एक्सिस एक्स एक्सिस पर लाई करती है इसका जो वर्टेक्स है और फोकस है वो ओरिजन से टू एंड फोर डिस्टेंस पर लाई करता है ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस ऑफ़ द ये हमारे पास में ओरिजन है ओरिजन से टू और फोर डिस्टेंसिस पर जो पॉइंट होंगे, होंगे हमारे पास में टू कॉमा जीरो एंड फोर कॉमा जीरो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो टू कॉमा जीरो होना चाहिए और उसका जो फोकस है वो हमारे पास में फोर कॉमा जीरो की इक्वेशन हम लोगों को फाइंड आउट करनी है तो देखिए इस पैराबोला के लिए स्टूडेंट अगर मैं लेंथ ऑफ रेक्टम की बात करूं तो वर्टेक्स और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है जो कि यहां पर स्टूडेंट टू है उसका फोर टाइम्स हमें पता है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होता है तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम यहां पर स्टूडेंट फोर है सॉरी एट है अब देखिए पैराबोला की इक्वेशन अगर मैं लिखता हूं तो इसकी इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट्स स्क्वायर इक्वल टू लेटल सटम इज एट इन टू एक्स माइनस टू सिंस वट एक्स इज टू कॉमा जीरो सो वी शुड राइट हेयर एक्स माइनस टू तो ये इक्वेशन हमारे पास में पैराबोला की इक्वेशन है स्टूडेंट अब हम हमें पूछा है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है इन चारों में से जो कि इस कर्व पर लाई नहीं करता तो हम लोग ऑप्शन को सेटिस्फाई करा के देखेंगे तो पहला ऑप्शन अगर हम इसके अंदर रखते हैं स्टूडेंट एट कॉमा तो देखिए यहाँ पे एट माइनस टू सिक्स इंटू एट फोर्टी एट बना और सिक्स एट uh, और हम लोग सिक्स इसके अंदर रखेंगे स्टूडेंट तो लेफ्ट हैंड साइड पे बन रहा है थर्टी सिक्स तो थर्टी सिक्स इक्वल्स टू फोर्टी एट विच इज रॉन्ग तो पहला ही ऑप्शन स्टूडेंट इस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वही हमारा आंसर होगा बाकी तीनों ऑप्शन रखेंगे तो तीनों पॉइंट इस कर्व की को सेटिस्फाई कर जाएंगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें कहा है कि एक सर्किल है और एक पैराबोला है उसकी जो कॉमन टेंजेंट है हम लोगों के पास में उसकी इक्वेशन हम लोगों से पूछी है तो स्टूडेंट देखिए कि ई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स पैराबोला के लिए टेंजेंट की इक्वेशन को सपोज कर सकते हैं वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम के फॉर्मूले से ए वन फॉर दिस पैराबोला ये मैंने टेंजेंट की इक्वेशन को सपोज किया ये आया माइनस एम वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो अब स्टूडेंट देखिए कि ये जो सर्किल हम लोगों को दे रखा है इसका सेंटर है थ्री कॉमा जीरो और इसकी रेडियस भी हमारे पास थ्री है

तो देखो इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया स्टूडेंट हम लोगों ने तो थ्री एम स्क्वायर प्लस वन अपॉन एम टू पावर फोर प्लस एम स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्किल वैसे इस पर मॉड्यूलर सकता है स्टूडेंट बट ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव क्वांटिटी है तो अब देखिए यहां पर हम लोगों ने स्क्वायरिंग करी तो नाइन एम टू दावर फोर प्लस वन प्लस सिक्स एम स्क्वायर इक्वल टू नाइन एम टू दी पावर फोर प्लस एम स्क्वायर अब ये नाइन एम की पावर फोर और ये नाइन एम की पावर फोर आपस में कैंसिल हो गया तो ये स्टूडेंट हम लोगों को मिल गया थ्री एम स्क्वायर इक्वल्स टू वन यानी यहां से स्टूडेंट एम की वैल्यू मिली प्लस माइनस वन अपॉन रूट थ्री इस एम की वैल्यू को स्टूडेंट अगर मैं इस इक्वेशन में रख देता हूं तो वी विल गेट इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट सो रखते हैं स्टूडेंट हम लोग यहां पर तो देखिए ये होगा स्टूडेंट वाई इक्वल्स टू एम एक्स तो प्लस माइनस तो कॉमन ले लेते हैं वन बाई रूट थ्री एक्स प्लस रूट थ्री दैट इज रूट थ्री वाई इक्वल टू प्लस माइनस एक्स प्लस थ्री ये स्ट्रेंड हम लोगों का क्वेश्चन का आंसर होगा इनमें से कोई ये दो हमको आंसर मिला है दोनों में से जो भी ऑप्शन में है देन देट विल बी आर आंसर देखिए रूट थ्री वाई इक्वल टू एक्स प्लस थ्री पहला ऑप्शन हम लोगों को नजर आ रहा है Uh, toh, पहला uh, तो पहला ऑप्शन हमारा आंसर हुआ अब स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ उसमें हमें कहा है कि ए एंड बी आर टू पॉइंट ऑन दिस पैराबोला वाई स्क्र इक्वल टू फोर एक्स सी इज चूज ऑन द आर्क ऑफ द पैराबोला वेयर ओ इज द सच दैट एरिया ऑफ ट्रेंगल ए सी बी इज मैक्सिमम देन द एरिया ऑफ ट्रेंगल ए सी बी सो वॉट वॉट गिवन इन द क्वेश्चन कि दिस इज ए पैराबोला ई स्क्वायर इक्वल्स टू फोर एक्स करेक्ट हेयर लाइज टू पॉइंट ए फोर कॉमा माइनस फोर एंड बी नाइन कॉमा सिक्स ऑल्सो अनादर पॉइंट सी लाइज ऑन द आर्क ओ ए बी दट इज दिस आर्क ओ यहां पर होता है स्टूडेंट वर्टेक्स तो सी जो है वो इस सेक्शन में कहीं भी लाई कर सकता है लेटेस से कि सी इस तरह से लाई करता है तो देखिए स्टूडेंट इससे हम लोगों को ट्राइंगल

तो इसका एरिया ए स्टूडेंट होगा वन बाई टू फोर कॉमा माइनस फोर नाइन कॉमा सिक्स टी स्क्वायर एंड टू टी एंड फोर कॉमा माइनस फोर फिर से लिखेंगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो वन बाई टू तो थर्टी सिक्स प्लस एटीन टी माइनस फोर टी स्क्वायर प्लस थर्टी सिक्स माइनस सिक्स टी स्क्वायर एंड माइनस एट टी ठीक है दैट इज वन बाई टू माइनस माइनस टेन टी स्क्वायर उसके बाद आता है एटीन टी माइनस में एट टी दैट इज प्लस में टेन टी और थर्टी सिक्स प्लस थर्टी सिक्स दैट इज सेवन टी टू देखिए स्टूडेंट ये हो जाता है थर्टी 36, 36, 72, ओके तो इसमें इस से हम लोग अब ले, ले लेते हैं कॉमन माइनस टू को कॉमन ले, ले लेते हैं हम लोग बाहर की तरफ तो ये हो जाएगा माइनस वन फाइव टी स्क्वायर माइनस में फाइव टी एंड माइनस में थर्टी सिक्स इवन माइनस फाइव को ही कॉमन ले, ले लेते हैं स्टूडेंट तो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस थ्री बाई फाइव यह स्टूडेंट हम लोगों को मिला थर्टी सिक्स बाई फाइव सॉरी ठीक है दैट इज होल स्क्वायर इस तरह से स्टूडेंट हम लोगों को मिल रहा है स्टूडेंट आगे बढ़ने से पहले एक हम लोगों ने कैलकुलेशन एरर कर दिया तो उसको सुधार लेते हैं फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे देखिए यहां पर इन दोनों फोर और सिक्स को मल्टीप्लाई करने पर हम लोगों को मिलेगा ट्वेंटी फोर जिसे मैंने गलती से थर्टी सिक्स लिखा है तो इसकी जगह स्टूडेंट इस हम लोगों के पास में आएगा मैं थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट करके आपको बता देता हूँ इसकी जगह आएगा स्टूडेंट हम लोगों के पास में यहाँ पे ट्वेंटी फोर सो ट्वेंटी फोर एंड थर्टी सिक्स मिलकर के स्टूडेंट बन जाएंगे हम लोगों के पास में यहाँ पर सिक्सटी बाकी सब कुछ सेम चलता जाएगा उसके बाद में स्टूडेंट देखिए अगर हमारे पास में इतनी कैलकुलेशन को हम लोग वापस कर लेते हैं स्टूडेंट्स तो देखिये ये हो जाएगा स्टूडेंट हम लोगों के पास में इसमें से अब मैं माइनस टेन कॉमन ले रहा हूं तो माइनस टेन बाई टू का मतलब हो गया माइनस में फाइव एंड टी स्क्वायर माइनस टी एंड माइनस में सिक्स माइनस टेन को कॉमन लेने पर हमें ये मिला स्टूडेंट तो ये हो जाता है माइनस फाइव टी माइनस वन बाई टू होल स्क्वायर माइनस सिक्स माइनस वन बाय फोर दाइनस फाइव इंटू टी माइनस वन बाई टू होल स्क् और ये हो जाएगा ट्वेंटी फाइव अपॉन फोर इंटू माइनस फाइव तो ये बन गया वन ट्वेंटी फाइव अपॉन फोर तो दिस इज द एरिया विच वी हैव फाउंड इन टर्म्स ऑफ टी अब स्टूडेंट देखिए हमें इस एरिया को मैक्सिमाइज करना था एरिया की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी तो ये एरिया स्टूडेंट मैक्सिमम तभी होगा जब ये वाला पोर्शन मिनिमम होगा और ये देखिए तो स्टूडेंट तो हम, हम लोग थर्टी वन टू वन बाय फोर भी बोल सकते हैं ठीक है तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ये ऑप्शन हमारा आंसर हुआ ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर को को तो देखिए इसमें हम लोगों को दो पैराबोला दिए हैं और कहा है कि इन दोनों पैराबोला की एक्सिस के अलावा कोई कॉमन नॉर्मल है तो ABC का पॉसिबल कलेक्शन इन चारों में से कौन सा हो सकता है, तो हम, लोग क्या करने वाले है? हम दोनों पैराबोला की नॉर्मल की नॉर्मल तो की जगह की आएगा तो x माइनस सी माइनस टू ए एम ए की जगह आएगा बी वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यूब और स्लोप को स्टोडेंट हम लोग एम वन सपोज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा वाई इक्वल्स टू एम वन एक्स माइनस सी प्लस टू बी इन टू एम वन माइनस में बी एम वन क्यूब इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसी तरह से स्टोडेंट अब लोग हम सेकेंड जो कर्व है उसकी भी नॉर्मल की इक्वेशन निकाल लेते हैं दैट विल बी y इक्वल टू एम टू एक्स और सर देखिए सेकंड पैराबोला के लिए एक ही जगह मुझे 2a यूज लेना पड़ेगा क्योंकि यहां पर इसको समझ सकते हैं फोर इन टू ए के रूप में तो y इक्वल टू एम टू एक्स माइनस टू ए एम एक ही जगह 2a लिखा माइनस ए एम क्यूब ये हो गया y इक्वल टू एम टू एक्स माइनस में फोर ए एम टू माइनस में टू ए एम टू अब अगर स्टूडेंट इन दोनों कर्व में कोई कॉमन नॉर्मल है इसका मतलब होगा इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड सेम स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं देन वी कैन कंपेयर दीज टू लाइंस सो वन अपॉन वन इक्वल टू एम वन अपॉन एम टू इक्वल टू माइनस सी प्लस टू बी इन एम वन माइनस बी एम वन क्यूब डिवाइडेड बाई माइनस फोर ए एम टू माइनस टू ए एम टू क्यूब अब देखिए स्टूडेंट इन दोनों से हमें पता लग रहा है कि एम वन और एम टू की वैल्यू जो है वो आपस में इक्वल है इतना हम लोगों को पता लग रहा है अब इसे और इसे हम लोग इक्वेट करेंगे और चूंकि एम वन और एम टू स्टेंट इक्वल है तो ये दोनों exactly एग्जैक्टली इक्वल हुए और एम वन एम टू इक्वल है इसको ध्यान में रखते हुए आगे की कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए स्टूडेंट अब मैं बोल सकता हूं यहां से कि माइनस में सी प्लस टू बी एम वन और एम टू दोनों की जगह स्टूडेंट मैं एम रख देता हूं तो हमें थोड़ी कन्वीनियंस रहेगी माइनस बी एम क्यूब इक्वल टू माइनस फोर ए एम एंड माइनस में टू ए एम क्यूब अब इसम तो इसमें थ्रू आउट कॉमन है तो वी कैन से दैट m विल बी जीरो

टू एम स्क्वायर हम लोगों ने एम को कैंसिल आउट किया अब इस यहां से देखिए इस uh, के टर्म को एक तरफ लिखना चाहता हूं मैं तो माइनस में टू बी माइनस मी सी इस तरह से हमें मिल रहा है तो एम स्क्वायर हुआ स्टूडेंट यहां पे टू कॉमन टू ए माइनस बी माइनस सी डिवाइडेड बाई बी माइनस 2a ये रिलेशन हम लोगों को स्टूडेंट यहां पर मिल रहा है अब देखिए स्टूडेंट्स कि मेजर अगर हम लोग कह रहे हैं कि जीरो के अलावा कोई रियल रूट होना चाहिए इसका मतलब है कि m स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0 दैट इज अब देखिए ये हो गया okay, स्टूडेंट देखिए इसको मैं इससे डिवाइड करूंगा स्टूडेंट तो ये minus -2 आएगा minus -2 minus c upon b minus 2a शुड बी ग्रेटर देन 0 दैट इज c b 2a

इनइक्वालिटी को सैटिस्फाई कर रहा है तो पहला ही ऑप्शन हमारा आंसर हुआ सेकंड थर्ड और फोर्थ को अगर आप यहां रखेंगे तो वो इस ऑप्शन को सैटिस्फाई नहीं करेंगे अब देखते हैं स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 6th को देखिए क्वेश्चन नंबर 6th में हमें एक पैराबोला x2 4y दिया गया है जिसकी एक कॉर्ड है जिसकी इक्वेशन हमें दी गई है अब उस कॉर्ड की लेंथ स्टूडेंट हम लोगों को फाइंड आउट करनी है तो स्टूडेंट हम लोग करने क्या वाले हैं देखिए ये हमारे पास मान लीजिए पैरा बोला है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू फोर वाई और हमारे पास नॉर्म जो इसकी कॉर्ड है ए बी उसकी इक्वेशन हम लोगों को दी गई है एक्स इक्वल्स टू रूट टू इंटू वाई माइनस फोर इस तरह से हम लोग इस कॉर्ड की इक्वेशन को लिख सकते हैं स्टूडेंट्स अब देखिए मैं फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए और बी निकालने की कोशिश करूंगा तो बाई फर्स्ट एंड सेकंड एक्स की इस वैल्यू को मैंने यहां रखा, तो X का मतलब हुआ टू वाई स्क्वायर प्लस एट वाई इक्वल्स टू फोर वाई तो ये हुआ स्टूडेंट वाई स्क्वायर इससे इसको कैंसिल किया तो इधर टू वाई है तो ये टू वाई इधर आया तो माइनस में टेन वाई और प्लस सिक्सटीन इक्वल टू जीरो तो यहां से स्टूडेंट हमें वाई की दो वैल्यू मिली एक टू और एक एट अगर इस वाई की वैल्यू को उठा करके मैं यहां रखता हूं तो मुझे एक्स की वैल्यू मिलेगी तो यहां टू रखते हैं तो माइनस में टू रूट टू मिला और यहां एट रखते हैं तो ये मिला फोर रूट टू इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है माइनस में टू रूट टू कॉमा टू और दूसरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स हैं फोर रूट टू कॉमा एट तो सीधे हम लोगों को ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस फॉर्मुले से ये कैलकुलेशन कर सकते हैं हम लोग तो फोर रूट टू प्लस टू रूट टू सिक्स रूट टू का स्क्वायर तो थर्टी सिक्स इंटू टू प्लस एट माइनस टू सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स इस पूरे का रूट तो ये हो गया स्टूडेंट देखिए थर्टी सिक्स कॉमन लिया तो रूट के बाहर आ गया सिक्स और ये हुआ स्टूडेंट टू प्लस वन रूट ओवर थ्री तो सिक्स रूट थ्री विल बी आर आंसर अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेवेंथ क्वेश्चन नंबर सेवेंथ में एक सर्किल हमें दिया है जिस जो कि कहा गया है कि एक्स एक्सिस पर फोर ए लेंथ का कॉर्ड कट करता है और वाई एक्सिस पर वो ओरिजन से टू बी डिस्टेंस से पास होता है तो इस सर्किल के सेंटर का लोकस हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा कर्व है तो देखिए स्टूडेंट कुछ इस तरह की बात है जैसे मान लीजिए कि ये हमारा सर्किल है मैं कंफर्ट के लिए एक बार फर्स्ट क्वार में सेंटर मान रहा हूं आप किसी और क्वार में मान के करेंगे तो भी सेम रिजल्ट मिलेगा से ये हमारे पास में इस का सेंटर है एच कॉमा के हमें इसी का लोकस फाइंड आउट करना है अब देखिए स्टूडेंट्स कि ये जो हमारे पास में कह रखा है हमें कि सर्किल एक्स वाई एक्सिस को एक ऐसे पॉइंट से पास होता है वाई एक्सिस पर जो ओरिजन से टू बी डिस्टेंस पर है तो इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है ओरिजन से स्टूडेंट वो टू बी है तो हम मान सकते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट्स हैं हम लोगों के पास में जीरो अलावा है आप देखिए कि ये जो लेंथ है ये टू ए हो गई स्टूडेंट और सेंटर की एक्स से डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होगी हमारे पास में तो ये लेंथ हमारे पास के है अब स्टूडेंट देखिए इसको मैं इससे मिला दूं तो ये जो लेंथ आएगी दैट विल बी रेडियस तो रेडियस का स्क्वायर अगर मैं निकालता हूं स्टूडेंट तो पाइथागोरस थ्योरम से देखिए वो क्या आएगा तो के स्क्वायर प्लस फोर ए स्क्वायर इसके अलावा जीरो सर्किल परमा के और जीरो अगर मैं एच कॉमा के और जीरोक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के माइनस टू बी होल स्क्वायर बोथ आर आर स्क्वायर सो बोथ शुड बी इक्वल सो दिसक्स फोर ए स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर माइनस फोर बी इंटू के अब देखिए स्क्वायर ये स्क्वायर कैंसिल हुआ लोकस के लिए एच की जगह एक्स के की जगह हम वाई रखेंगे तो इस फोर बी के को मैं इधर लेके आया तो फोर बी के जगह वाई आ गया तो 4B, एच स्क्वायर को मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर और ये ए स्क्वायर उधर गया तो फोर टाइम्स बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अब स्टूडेंट देखिए इसमें सेकंड डिग्री डिग्री में y में फर्स्ट दिख रहा है तो तो हम जानते हैं कि ये पैराबोला तो की इक्वेशन होती है तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर एट में देखिए स्टूडेंट हमें ये कहा है कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल दिस पैराबोला

तो इसका वर्टेक्स क्या है ए स्क्वायर कॉमा जीरो पॉइंट हो गया फिर स्टूडेंट ये वाई एक्सिस को जहां भी कट करेगा वहां देखिए तो एक्स जीरो स्क्वायर तो आ रहा है स्क्वायर यानी वाई आ रहा है प्लस माइनस टू ए तो देखिए जो ट्राइंगल बना उसके तीनों वर्टेक्स हमें मिल चुके हैं एक है ए स्क्वायर कॉमा जीरो एक है हम लोगों के पास में टू ए कॉमा जीरो और एक है माइनस टू ए कॉमा 0 अब इनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया तो देखिए स्टूडेंट ये तो दोनों एक्स एक्सिस पर हैं या एक हमने कुछ हाँ ये हमने उल्टा लिख दिया स्टूडेंट इसको सही कर लेते हैं ये हमारे पास में 2a, 0 नहीं बल्कि 0, 2a है और ये भी हमारे पास 0, -2a है ठीक है अब देखिए स्टूडेंट ये दोनों तो y एक्सिस पर हैं ये x एक्सिस पर है तो एरिया हो गया 1/2 बेस इसकी लेंथ हो तो गई 4a हाइट हाइट पास में ए स्क्वायर इक्वल टू टू फिफ्टी अब स्टूडेंट देखिए यहां से ए क्यूब हमारे पास आ रहा है वन ट्वेंटी फाइव यानी ए आ रहा है हमारे पास में फाइव तो ए की वैल्यू हमसे क्वेश्चन में पूछी थी वो हो गया ऑप्शन नंबर फोर्थ अब स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन्थ में हम लोगों को पी और क्यू दो पॉइंट दे रखे हैं एक्स इज एनी पॉइंट ओके okay, ये क्वेश्चन आप देखिए स्टूडेंट कि अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ किया था वो बिल्कुल सेम था वहां पे बस की जगह सी दे रखा था तो हमें वापस करने का कोई मतलब नहीं है जहां पर वन ट्वेंटी आंसर मिला था तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ को आप देख सकते हैं वो सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट देखिए कि हमें इस पैराबोला की टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ

तो y किस वैल्यू मैंने यहां रखा तो x स्क्वायर इक्वल टू एट एक्स टेन थीटा प्लस c स्क्वायर माइनस में एट टेन थीटा इंटू एक्स माइनस में एट सी इक्वल टू जीरो अब सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए यहां से x की केवल एक वैल्यू मिलनी चाहिए सो so d शुड बी जीरोक्वायर माइनस फोर ए इंटू सी इक्वल टू जीरो तो यहां से स्टूडेंट हम लोगों को मिला टू टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस सी अब सी की इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर में रख देते हैं तो उससे हम स्टूडेंट टेन की इक्वेशन हमें मिलेगी वाई इक्वल टू टेन थीटा इंटू एक्स और सी है माइनस में टू टेन स्क्वायर थीटा ठीक है स्टूडेंट अब देखिए मैं यहां पे क्या कर रहा हूं स्टूडेंट्स कि जो दिए हुए चारों ऑप्शन है उसमें यह डायरेक्टली नहीं दिख रहा है वाई इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा हाँ तो हम लोग इसको दोनों तरफ टेन थीटा से डिवाइड करें तो वाई अपॉन टेन थीटा हो जाएगा इक्वल टू एक्स माइनस में टू टेन थीटा ठीक है वाई कॉट थीटा वाई कॉट थीटा प्लस टू टेन थीटा इक्वल टू एक्स देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमें यही नजर आ रहा है एक्स इक्वल टू वाई कोड थीटा प्लस टू टेन थीटा तो ये हमारा आंसर हो गया देखिए क्वेश्चन नंबर में हमें फोकल कॉर्ड का एक एंड पॉइंट दिया गया है और हमें इस फोकल कॉर्ड की लेंथ पूछी गई है तो स्टूडेंट मान लीजिए ये जो पॉइंट है 1, 4, अगर मैं इसको एटी स्क्वायर कॉमा टू एटी की फॉर्मेट में मानू ए यहां पर फोर है तो इसको मैंने मान लिया स्टूडेंट ए स्क्वायर कॉमा टू ए टी एस फोर सो स्टूडेंट एक्वल टू फोर आ गया तो टीवल टू वन बाई टू आ गया इसका मतलब इस पॉइंट के लिए पैरामीटर की वैल्यू स्टूडेंट वन बाई टू है अब आप जानते हैं स्टूडेंट की फोकल कॉर्ड की लेंथ का फॉर्मूला होता है a इंटू टी प्लस वन अपॉन टी होल स्क्वायर तो एज फोर t इज वन बाई टू तो ये हो गया स्टूडेंट फोर और ये हुआ हमारे पास में फाइव बाई टू फाइव बाई टू का स्क्वायर करेंगे तो ट्वेंटी फाइव बाई फोर सो दिस इज ट्वेंटी फाइव विच इज ऑप्शन नंबर फोर्थ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ में स्टूडेंट देखिए कि हमें कहा है कि द एरिया ऑफ द स्मॉलर ऑफ द टू सर्किल्स दैट टच दिस पैराबोला एट द पॉइंट वन कोमा टू एंड एक्सेस यानी ऐसे कई पैराबोला हैं जो इस ऐसे कई सर्किल हैं जो इस पैराबोला को वन टू पर टच करते हैं और साथ में एक्सिस को साथिल होगा अगर वो इस पैराबोला को वन कॉमा टू पर टच करता है तो वो इस पैराबोला के वन कॉमा टू पर खींची गई टेंजेंट को भी टच करेगा और किसी लाइन को किसी पॉइंट पर टच करने वाले सर्किल की इक्वेशन निकालना काफी

प्लस वन इक्वल टू जीरो देखिए यहां पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस टू इंटू एक्स माइनस लेमडा प्लस फोर इंटू वाई और कांस्टेंट अगर देखते हैं तो फोर प्लस वन फाइव प्लस लेमडा इक्वल टू जीरो ये हम लोगों को सर्किल की इक्वेशन मिली अब यहां लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि सिंस दिस इज टचिंग एक्स एक्सिस ये एक्स एक्सिस को स्टूडेंट टच कर रहा है तो जी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू सी अब जी होता है स्टूडेंट एक्स के कोफिशन का हाफ तो लेमडा माइनस टू अपॉन टू इसका होल स्क्वायर सी यानी फाइव प्लस के बराबर होगा वी गेट लेमडा स्क्वायर प्लस फोर माइनस इक्वल टू ट्वेंटी प्लस फोर लेमडा दैमडा स्क्वायर माइनस एट लेमडा माइनस सिक्सटीन इक्वल टू जीरो तो श्रीधर आचार्य फॉर्मूले से स्टूडेंट हम लोग लेमडा की यहां पे वैल्यू निकाल देते हैं तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए इंटू सी तो प्लस सिक्सटी फोर ही आएगा डिवाइडेड बाई टू ए स्टूडेंट तो यहां से लेमडा में मिला फोर प्लस माइनस 32 का स्क्वायर रूट बचेगा यहां पे तो 32 के स्क्वायर रूट को हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट 16 फोर रूट टू ये हमें लेमडा की दो पॉसिबल वैल्यूज मिल रही हैं अब देखिए स्टूडेंट हम लोगों को इन दोनों में से जो छोटा वाला सर्किल है उसका एरिया निकालना है तो हमें इस सर्किल की रेडियस को भी निकालना पड़ेगा स्टूडेंट इन टर्म्स ऑफ लेमडा और फिर देखेंगे कि कौन सी लेमडा दोनों लेमडा की वैल्यू में से कौन सी की वैल्यू पर छोटा आंसर आएगा उसी को हम लोग निकाल लेंगे तो स्टूडेंट अगर हम लोग रेडियस की बात करें तो हम जानते हैं कि रेडियस का स्क्वायर क्या होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी तो लैमडा माइनस टू बाई टू होल स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर तो लैमडा प्लस फोर अपॉन टू होल स्क्वायर माइनस सी दैट इज फाइव प्लस लेमडा इसको सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट तो फोर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं तो लेमडा स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस सिक्सटीन प्लस एट लेमडा माइनस ट्वेंटी माइनस फोर लेमडा अब देखिये स्टूडेंट तो ये बन जाता है देखिये ये एट लेमडा ये माइनस फोर लेमडा और ये माइनस फोर लेमडा तो कैंसिल हुए तो ये स्टूडेंट हम लोगों के पास में टू लेर और फोर सिक्स भी देखिए कैंसिल हो गया डिवाइड बाय तो यहां से स्टूडेंट हम लोगों को पता लगा कि रेडियस का स्क्वायर है लेमडा स्क्वायर बाई टू के बराबर ठीक है अब स्टूडेंट आप लोग जानते हैं कि सर्किल का एरिया होता है पाईआर स्क्वायर यानी कि पाई और रे, रेडियस का स्क्वायर हमारे पास लेमडा स्क्वायर बाई टू है तो स्टूडेंट इन दोनों में से जिस भी लेमडा का मैग्नीट्यूड हमारे पास छोटा है उसी से हमें आंसर मिलेगा क्योंकि हमें स्मॉलर एरिया निकालना है की बड़े मैग्नीट्यूड पे बड़ा आंसर मिलेगा और छोटे मैग्नीट्यूड पे छोटा आंसर मिलेगा तो एरिया की मिनिमम वैल्यू के लिए स्टूडेंट हम लोग लैमडा को कितना लेंगे फोर माइनस फोर रूट टू फोर प्लस फोर रूट टू पर हमें बड़ा एरिया मिलता तो फोर माइनस फोर रूट टू का होल स्क्वायर तो यह हुआ स्टूडेंट पाई फोर हमने कॉमन लिया तो वो उसका स्क्वायर सिक्सटीन बाई टू एट हो गया उसके बाद स्टूडेंट वन माइनस रूट टू उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 plus 2, 3 minus 2 root 2. ये हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर फोर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टींथ में अगर हम देखते हैं स्टूडेंट तो देखिए यहां पर हम लोगों को कहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है जो इस सर्किल और इस पैराबोला दोनों को टच करती है

और स्ट्रेट लाइन के लिए एम की वैल्यू स्टूडेंट यहां पे माइनस ए है तो देखिए ए और सी में एक रिलेशन तो हमें यह मिला दूसरा स्टूडेंट ये स्ट्रेट लाइन इस सर्किल को भी टच करती है तो जैसा आप जानते हैं कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन सर्किल को टच करती है तो सर्किल के सेंटर से उस पर डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ रेडियस के बराबर होती है तो सर्किल का सेंटर है जीरो जीरो उससे मैंने इस परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो वो होगा स्टूडेंट हम लोगों के पास में जीरो प्लस जीरो सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस वन का रूट दिस वुड बी इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्किल दैट इज वन तो यहां से स्टूडेंट मैं लिख देता हूं कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस वन अब हमें सी यहां से निकालना स्टूडेंट तो मैं यहां से ए की वैल्यू यहां रख रहा हूं देखिए ए की वैल्यू है माइनस टू रूट टू बाई सी तो ए स्क्वायर हो गया स्टूडेंट टू बाई सी स्क्वायर प्लस वन दैट इज सी टू दावर फोर माइनस सी स्क्वायर माइनस टू Equal to zero. ये हमें मिला तो टू जीरो से मैंने सी स्क्त निकाला तो सी स्क्वा माइनस में टू इंटू सी स्क्वायर प्लस वन ये स्टूडेंट हम लोगों के पास में इसके फैक्टर हो गए तो देखिए यहां से सी स्क्वायर की वैल्यू आई टू माइनस वन तो हो नहीं सकता तो मॉडुलस सी कितना हो गया स्टूडेंट रूट ओवर टू यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन को यहां पे स्टूडेंट हम लोगों को इस तरह से एक पैराबोला की इक्वेशन दी गई है और ये पैराबोला इस स्ट्रेट लाइन को कट करता है जिन पॉइंट पैराबोला और ये स्ट्रेट लाइन जिन पॉइंट्स पे कट करती है वहां पर स्टूडेंट टेंजेंट्स खींची गई है तो उन दोनों टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमसे पूछा है जैसे कुछ इस तरह का है कि मान लीजिए ये तो पैराबोला है और ये हमारे पास में स्टूडेंट स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन लाइन है से कि ये इस पैराबोला को ए और बी पे कट करती है अब ए और बी पे स्टूडेंट हम लोगों ने इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ करी तो इन दोनों टेंजेंट का ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है पी हमें पॉइंट पी फाइंड आउट करना है तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे स्टूडेंट कि पॉइंट पी एच कॉमा के है ठीक है और ये जो पैरा बोला है स्टूडेंट ये है हम लोगों के पास में देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं ठीक है यानी एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस वाई प्लस थ्री इक्वल टू जीरो अब देखिए स्टूडेंट्स कि पी पॉइंट के रेस्पेक्ट में ए बी जो है वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है तो ऑफ़ की इक्वेशन आप जानते हैं कि फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू जीरो वन बाई टू टू वाई की जगह वाई प्लस वाई वन और कॉन्स्टेंट की जगह सिंप्लीफाई करते हैं टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो फोर एच एक्स माइनस फोर एक्स सॉरी यहां पे टू आएगा हमारे पास टू एच एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फोर एच माइनस वाई माइनस के प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो दैट इज टू एच माइनस फोर इन टू एक्स माइनस वाई प्लस सिक्स माइनस फोर एच माइनस के इक्वल टू जीरो देखिए स्टूडेंट कि एक टेंजेंट की इक्वेशन हमें ऑलरेडी दे रखी है एक्स माइनस वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो सो सॉरी टेंजेंट नहीं कॉर्ड की इक्वेशन तो ये भी एबी कॉर्ड की ही इक्वेशन है और ये भी एबी कॉर्ड की ही इक्वेशन है तो दोनों स्ट्रेट लाइन सेम है तो हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं तो कंपेयर अगर करते हैं तो स्टूडेंट टू एच माइनस फोर अपॉन वन इक्वल टू माइनस वन अपॉन माइनस वन इक्वल टू सिक्स माइनस फोर एच माइनस के अपॉन माइनस थ्री तो यहां से देखिए टू एच माइनस फोर हमें वन मिला तो एच आ गया स्टूडेंट स्टूडेंट फिर इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास में माइनस थ्री इक्वल टू सिक्स माइनस फोर और एच को रख दिया फाइव बाई टू माइनस के तो सिक्स इधर लाए तो माइनस नाइन इक्वल टू माइनस टेन माइनस के तो यहां से स्टूडेंट के हमको मिल गया माइनस वन इसका मतलब स्टूडेंट इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे फाइव बाई टू कॉमा माइनस वन फाइव बाई टू कॉमा माइनस वन ये हमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन में एक स्ट्रेट लाइन दी है जो कि इस पैराबोला और इस पैराबोला दोनों की कॉमन टेंजेंट है बी हमें पूछा गया है स्टूडेंट हम लोग जानते हैं कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन इक्वल तो टू ए बाई एम होता है तो इस स्ट्रेट लाइन के लिए c है फोर इस पैराबोला के लिए a है 1, और m m हमारे पास m ही है तो यहां से स्टूडेंट मुझे m तो पता लग गया वन बाई फोर अब स्टूडेंट देखिए एक बार इस टेंजेंट की इक्वेशन को लिख देते हैं और ये जो दूसरा पैराबोला था इसको भी लिख देते हैं अब देखिए स्टूडेंट की ये सेकंड स्ट्रेट लाइन इस पैराबोला की भी टेंजेंट है तो इन दोनों को सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं हमें सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलना चाहिए तो y किस वैल्यू को स्टूडेंट मैंने यहां रखा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू बी इन प्लस फोर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस टू बी एम नाउ सिंस सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलना चाहिए दैट मींस डी शुड बी जीरो तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए इंटू सी शुड बी जीरो ठीक है स्टूडेंट अब देखिए यहां पे मैंने फोर बी को कैंसिल किया तो बी फोर बी कॉमन ले लिया ऐसे मान लेते हैं आप लोग फोर बी कॉमन लिया तो हमारे पास बचा बी एम स्क्वायर प्लस एट इक्वल टू जीरो अब स्टूडेंट बी तो जीरो हो नहीं सकता तो इसी को जीरो होना पड़ेगा और एम हम लोग यहां पे रख सकते हैं वन बाय फोर तो एम स्क्वायर हो गया वन बाय सिक्सटीन प्लस एट इक्वल टू जीरो बी अपॉन सिक्सटीन इक्वल टू माइनस एट ये हमें मिला स्टूडेंट तो यहां से देखिए बी को मैं बोल सकता हूं माइनस वन ट्वेंटी एट और यह हमें ऑप्शन नंबर फोर्थ में दिया गया है क्वेश्चन नंबर जो है स्टूडेंट वहां पे देखिए हम लोगों को कहा है कि इस पैराबोला एक्स स्क्वल टू फोर वाई पर आ, एक ऑफ ए पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट दिस दिस ओके देखिए हमें कहा गया है स्टूडेंट कि एक पॉइंट है जो इस पैराबोला पर लाइक करता है और एक पॉइंट है जीरो माइनस वन इन दोनों को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को वन रेशियो टू में डिवाइड करने वाले पॉइंट का लोकस हमें चाहिए तो स्टूडेंट एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर वाई आप जानते हैं कि इस पैराबोला का पैरा पॉइंट होता है टू ए कॉमा एटी स्क्वायर और इसमें ए वन है तो टू ए टी कॉमा ए टी स्क्वायर तो हम लोग स्टूडेंट एक पॉइंट मान लेते हैं ये जो कि इस कर्व पर लाई करता है तो देखिए एक पॉइंट था हमारे पास में स्टूडेंट जीरो कॉमा माइनस वन लेटस से ए और एक पॉइंट है हमारे पास में पी दैट इज टू टी कॉमा टी स्क् इन दोनों को वन रेशियो टू में इंटरनली डिवाइड करने वाले पॉइंट का लोकस ये दिस इज़ का लोकस हमें चाहिए तो सेक्शन फॉर्मुले से स्टूडेंट हम लोग पहले क्यू निकाल लेंगे तो वन इंटू टू टी प्लस टू इंटू जीरो प्लस टू इंटू माइनस वन डिवाइड बाई थ्री इस पॉइंट का हमें लोकस चाहिए तो हम लोग स्टूडेंट टू टी अपॉन थ्री को लिख देंगे एक्स दी इक्वल्स टू थ्री एक्स बाई टू और टी स्क्वायर माइनस टू बाई थ्री को लिख देंगे y अब देखिए तो हो गया नाइन एक्स स्क्वायर माइनस एट इक्वल टू ट्वेल्व वाई ये हमारा रिक्वायर्ड लोकस हुआ नाइन एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व वाई इक्वल टू एट विच इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर थ देखते हैं स्टूडेंट वन एंड ऑफ ए फोकलोलाई स्क्वायर इक्वल्स टू एट एक्स और ये इसकी कोई फोकल कॉर्ड है ये ए ये बी ये पॉइंट हमारे पास में वन बाई टू कॉमा माइनस टू है तो बी पॉइंट पर जो टेंजेंट खींची गई है उसकी इक्वेशन हमसे पूछी है स्टूडेंट हम लोग जानते हैं कि अगर जैसे फोकल कॉर्ड का ये एंड पॉइंट है अगर इस एंड पॉइंट को मानता हूं t square, t, तो फोकल का दूसरा एंड पॉइंट होगा ए बाई टी स्क्स टू ए बाई टी ठीक है ये हम लोगों को प्रॉपर्टीज पता है तो मैं पहले ये निकाल लेता हूं कि टी की वैल्यू कितनी है तो देखिए ए टी शुड बी इक्वल टू माइनस टू और ए हमारे पास टू था तो फोर टी इक्वल टू माइनस टू तो टी आ गया अगेन टू तो और टी तो यानी माइनस वन बाई टू तो स्टूडेंट बी पॉइंट हमारे पास आ चुका है एट कॉमा एट तो हमें अब इस पैरा बोला के एट कॉमा एट पॉइंट पे टेंजेंट निकालनी है स्टूडेंट तो देखिए स्क्वायर की जगह लिखा y, y, one, और यहां बचाया एक्स प्लस एक्स वन तो ये हो गया टू वाईक्वल टू एक्स प्लस एट ये हमारी रिक्वायर्ड टेंजेंट की इक्वेशन हुई टू वाईक्वल टू एक्स प्लस एट और ये हमें ऑप्शन नंबर फोर्थ में दिया गया है ठीक है श्रेंट? तो चलिए इस वीडियो सॉल्यूशन को अब हम आज यहीं पर ओवर करते हैं ओके थैंक यू